हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चरणदीप सिंह, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड थायराइड डे. जिस तरह से जानते हैं, वर्ल्ड थायराइड डे 25th ऑफ मई नू मनाया जाता है. एंड सन 2008 तो यह पेशेंट्स ते बाकी ट्रीटिंग फिजिशियंस दे विच थायराइड दे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की अवेयरनैस नू वधाउण दे लई मनाया जाता है. सो जिस तरह कि असीं जानते हैं, थायराइड ग्लैंड एक बहुत छोटा जा बटरफ्लाई शेपड ग्लैंड हुंदा है जो कि नैक दे विच प्रेजेंट रहिंदा है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हारमोनस की सिंथेसिस करता है. T4 T3 नाम के दो हारमोनस हुंदे ने जो कि थायराइड ग्लैंड बनाता है, और यह मल्टीपल बॉडी फंक्शनस नू कंट्रोल करता है. जिस तरह हार्ट के फंक्शनस हो गए, ब्रेन के फंक्शनस हो गए, उसी तरह सैक्चुअल फंक्शनस हो गए, दैन मैंस्ट्रुअल साइकल्स हो गए, बॉडी दी मसल्स ते बोन्स हो गया. सो बहुत सारे बॉडी दे फंक्शंस ने जो थायराइड ग्लैंड्स कंट्रोल करते ने. थायराइड ग्लैंड दे करके बहुत सारी बीमारियां हो सकदियां ने. जिस तरह थायराइड ग्लैंड दे अगर घट फंक्शन करे थायराइड ग्लैंड, उन्हों असी हाइपोथायरायडिज्म कहने हैं. अगर थायराइड ग्लैंड जरूरत तो ज़्यादा हारमोन बनावे, उन्हों असी हाइपरथायरायडिज्म कहने हैं. सिमिलरली थायराइड ग्लैंड दे विच अगर इनफ्लेमेशन हो जाए, सोजिश आ जाए, और सूजन आन दे करके थायराइड ग्लैंड पेन होने लग जाए, असी उन्हों थायराइडाइटिस कहने हैं. उसी तरह चौथा जिहड़ा तरह की डिजीज़ थायराइड ग्लैंड होंदिया ने, उन्होंने असी थायराइड कैंसरस कहने हैं, जिदे विच थायराइड ग्लैंड दे विच ही छोटे छोटे गठा बनन लग जांदियां ने. सो मोटे मोटे तौर पर यह चार तरह की थायराइड की बीमारियां होंदियां ने, और कुछ बीमारियां ने थायराइड दियां जो टेंपरेरी होंदियां ने, बाकी बीमारियां ने जो कि परमानेंट भी हो सकदियां, जिहदे करके लाइफ लोंग ट्रीटमेंट की लोड़ पै सकती है. सो थायराइड ग्लैंड की बीमारियां नू लभना तो जरूरी है ही है, पर नाल नाल ये भी जानना जरूरी है कि थायराइड की किस तरह की बीमारी है, मतलब उसकी क्लासीफिकेशन की है, वह भी बहुत जरूरी है. थायराइड की बीमारियां अगर देखा जाए तो विमेन दे विच ज़्यादा कॉमन ने कंपेयर टू मैन. सो अराउंड 5 to 6 टाइम्स विमेन आर मोर अफेक्टेड कंपेयर टू मैन. ठीक है, सो 5 to 6 गुना ज़्यादा कॉमन होंगी है वुमेन दे विच. थायराइड की जो बीमारियां ने उदे करके बहुत ही वेग सिम्टम्स और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे ने, जिदे करके आम तौर पर लोग लंबे टाइम तक उस थायराइड की बीमारी नू पकड़ ही नहीं पाते, और डॉक्टर को जा ही नहीं पाते. जिस तरह थायराइड की बीमारी के करके फटीग होंगी है, थकावट रहती है, या फिर स्किन ड्राई हो सकती है, उसी तरीके नाल कई बार हल्का जब वेट इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. सो लोग की करते हैं कि थायराइड देखने की बजाय वो सिर्फ उस बीमारी लिए ओवर द काउंटर ड्रग्स लैन लग जाते हैं. जिस तरह फटीक दे लिए मल्टीवाइटमिन लैन लग गए, उसी तरीके नाल जाके फटीक लिए मल्टीवाइटमिन कैल्शियम्स लैन लग गए, या हेयर लॉस की ट्रीटमेंट लैन लग गए. तो इस दे नाल हुंदा की है कि बीमारी पकड़ विच नहीं आती टाइम सिर, और वह मतलब साल साल दो साल अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं, तो बीमारी के नाल भी जूंदे रहिंदे ने. तां ये बीमारी टाइम ते पकड़ी नहीं जाती, उही एक मेन प्रॉब्लम है. तो लोगों च अवेयरनैस वधाउण की जरूरत है. सो अगर आपां मन्नीए कि 1000 लोगों के 100 लोगों को थायराइड की बीमारी है, तो लगभग सिर्फ 30 to 40 लोगों को ही एक्चुअली वो बीमारी के बारे पता कि है. अराउंड 60% लोग इस तरह के ने जिन्हां की बीमारी होने के बावजूद भी हजे पकड़ी नहीं जाती. तो यह काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि 60% पेशेंट्स दे गो अनडिटेक्टेड. सो जो भी इस तरह की थोड़ा कोई प्रॉब्लम आए, फटीक होवे, या फिर बॉडी दे विच पेन्स रह रही हो, जनरलाइज मेंटल स्लोनैस हो रही होवे, थकावट रहे, दिन च भी नींद आती रहे, या कॉन्स्टिपेशन होवे, कोल्ड इंटॉलरेंस होवे, तो जो इस तरह के लक्षण एक किसी भी फील हो रहे हो, तो एक्चुअली जाके थायराइड के टेस्ट करवाने चाहिए ने. और अगर वह प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट लैन के नाल थोड़े बाकी सारे सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं. सैल्फ ट्रीटमेंट करन तो अवॉइड करना चाहिए. दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो असं देना चाहते हैं कि आम तौर पर थायराइड बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड नू आयोडीन नाम का आयन चाहिए होंगे. सो आयोडीन आम तौर पर सानू बॉडी अपने आप तो बना नहीं पाती, इसलिए उन्हों खाने तो ही मिलता है. और आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है, आम तौर पर सी फूड के ज़्यादा चंगी तरीके आयोडीन अवेलेबल होंगे. हूँ प्रॉब्लम यह है कि साढ़े इतने चंगी क्वालिटी का सी फूड नहीं मिलता, बाकी ज़्यादा करके मेजोरिटी जो पॉपुलेशन देखी जाए वो वेजिटेरियन भी होंगी है. तो कई बार आयोडीन की घाट के करके भी थायराइड हारमोन की घाट होने लग जाती है. सो वर्ल्ड दे विच जिहड़ी अमेरिकन थायराइड एसोसीएशन, वो कहती है कि लगभग 150 माइक्रोग्राम डेली आयोडीन की रिक्वायरमेंट होंगी है इंसान नू. यह मेनली सानू फूड दे विच एक्चुअली सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट तो ही मिल पाती है,
और अगर आयोडीन की घाट हो जाए तो भी थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती है। हुण स्पेशली की होंगे कि लगभग 150 माइक्रोग्राम डेली आयोडीन की रिक्वायरमेंट होंगी है, और जो प्रैगनेंसी हो जाती है तो बच्चे नू भी, क्योंकि उन्हें थायराइड भी मदर ही प्रोवाइड करती है, तो रिक्वायरमेंट आयोडीन की बढ़ के 200 तो 220 माइक्रोग्राम तक चली जाती है। हुण कई बार की होंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम प्रैगनेंसी तो पहले नहीं होंगी, पर थायराइड प्रैगनेंसी के जाके डिटेरिएट कर जाता। सो इस तरह की रिकमेंडेशनस हुण सामने आने लगिया ने कि प्रैगनेंसी जो प्लैन कर रहे हुई उस तो पहला ही 150 माइक्रोग्राम के आसपास आयोडीन विमेन नू दिता जाना चाहिए, और जो एक बार प्रैगनेंसी कन्फर्म हो जाए तो डेली अराउंड 200 माइक्रोग्राम के आसपास आयोडीन बाहरों दिता जाना चाहिए एज अ सप्लीमेंट, ताकि थायराइड की हारमोन की घाट ना हो प्रैगनेंसी। जो भी थायराइड हारमोन की प्रैगनेंसी घाट हो जाती है तो बच्चे की मानसिक विकास या बच्चा कमजोर होना, जिन्हों क्रैटिनिज्म कहते हैं, मैंटल रिटार्डेशन बच्चे होने के चांसिज बढ़ जाते हैं। इसलिए आयोडीन का प्रैगनेंसी खास करके रोल है, तो इस चीज़ को भी दिमाग रखना चाहिए। सो जो भी थोड़ा इस तरह के फटीक या इस तरह के सिमटम्स फील हो, इस तरह के नॉन स्पैसीफिक सिमटम्स रहन, तो अपने डॉक्टर को मिलो, थायराइड का टैस करवाओ, और अगर थायराइड का टैस करवा उस प्रॉब्लम है तो थायराइड की मेडिसिन खाने तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ओवर द काउंटर ड्रग्स खरीद के और या फिर अपने आप ही खुद के इलाज करके उस चीज़ तो बचना चाहिए, क्योंकि बीमारी वो ठीक नहीं होंगी। मल्टीविटामिन थोड़े टाइम लिए थोड़ू चंगा महसूस करा सकते हैं, पर थायराइड की अल्टीमेटली बीमारी करके शरीर कमजोर पैंता। सो हमेशा अपने डॉक्टर को मिलो, टाइम सिर वह इलाज करवाओ, और तुसी भी बिल्कुल फिट रह सकते हो, राइट।